कृष्ण जन्माष्टमी पर हम आपके लिए उन कृष्ण मंदिरों की सूची लाए हैं जो अपनी अनूठी वास्तुकला, अध्यात्मिका और कृष्ण के साथ अद्वितीय के संबंध के लिए जाने जाते हैं। बाल कृष्ण मंदिर, वेणुगोपाल स्वामी मंदिर, अरुलिमुगु श्री पार्थ सार्थ स्वामी मंदिर, इन सभी मंदिरों के दर्शन हम आज करेंगे। हमारी पहली सूची में है बाल कृष्ण मंदिर हम्पी कर्नाटक। कर्नाटक के हम्पी के कृष्ण मंदिर अद्वितीय वास्तुकला के साथ एक उल्लेखनीय मंदिर है। ये मंदिर भगवान बाल कृष्ण को समर्पित है जो भगवान कृष्ण के उसी रूप में थे जब वे स्थापित थे। कृष्ण मंदिर भी स्मारकों के समूह में से एक है जिसे वर्तमान में विश्व धरोहर स्मारकों के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर काल के शासक कृष्णदेव राय ने वर्ष 1513 ईसा पूर्व में करवाया था। उन्होंने युद्ध किया और उनके बाद उत्कल या उदयगिरी के पूर्वी शासन काल में कब्जा करने के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये स्थान वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण मंदिर अपने उत्कृष्ट निर्मित और सुंदर वास्तुशिल्प डिजाइनों के लिए जाना जाता है। राजा कृष्णदेव राय कला और स्थापत्य कला के प्रेमी थे और उनके शासन काल के दौरान निर्मित मंदिर में स्मारक अपने वास्तुकला शिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान बालकृष्ण की है जो अब चेन्नई के राज्य में संग्रहालय में रखी गई है। मंदिर परिसर स्तंभों वाले हॉल के कई छोटे मंदिरों से सजाया गया है। ये उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जिनकी मीनार की दीवारों पर महाकाले अंकित हैं। ये मंदिर काफी हद तक वैसे का है वैसा ही बना हुआ है जैसा कि ईसा पूर्व में बनाया गया था और विजयनगर के शासन के तहत समर्थ शासन काल का प्रमाण है। और हमारे दूसरे नंबर पर है वेणुगोपाल स्वामी मंदिर मैसूर कर्नाटक। इस दुनिया में बहुत ही कम वास्तुशिल्प चमत्कार हैं जिनमें देखते ही आपकी सांसें थम जाती हैं। ऐसा ही एक भव्य मंदिर है जहां बेंगलोर के केवल 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। होसा कनब बम्बी गांव में 700 साल पुराने वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में हम्पी के एक टुकड़े का अनुभव लें जो 12वीं सदी ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश ने किया था। जब कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया था तब ये 70 साल तक पानी के अंदर डूबा हुआ था और हर बार जब जल स्तर गिरता है तो धीरे धीरे फिर से ऊपर आ जाता है। आज ये मंदिर अपनी स्वामी का वास्तुकला सुंदर और सूर्य के दर्शन को और भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिव्य मूर्तियों के लिए खड़ा है। इसके पीछे का कुछ इतिहास ये भी कहता है। बांध के निर्माण पर सूर्य मंदिर रचनाएं और कमर बम्बली गांव पानी में डूब गए। इस दौरान राजा कनवाड़ी कृष्ण राज अंडियान ने होसा कनम बाबा ने एक नए गांव के निर्माण का आदेश दिया और वर्ष 2000 में जब सूचना में पानी का सतर गिरा तो पूरा मंदिर पुंजीवित हो गया। दिलचस्प बात तो ये है कि 70 साल तक पानी में डूबने के बावजूद मंदिर का मालिक बना रहा। कोदे फाउंडेशन ने पुराने मंदिरों के प्रत्येक खंड को अत्यधिक सावधानी के पूर्व में स्थापित किया। मंदिर रत्न की कीमत लगभग 250 करोड़ है। नए मंदिर परिसर में मुख्य रूप से प्राचीन मंदिर के पुराने पत्थर शामिल हैं, लेकिन इसमें अच्छा समुद्री दृश्य दिखाया गया है जिससे वह बिल्कुल नया दिखता है। अर्नमुल्ला पार्थ सारथी मंदिर मल्लापूजा ससरी केरल। दक्षिण भारत के केरल में पटना टीला जिला के आरंभमुला में 12 कवि का अलवार में निर्मित दिव्य देशम रहने वाला मंदिर है पार्थ सारथी मंदिर। इसका मूर्तिकला केरल शैली में है। 6 सदी से लेकर 9 सदी के तमिल अलवार संतों द्वारा मंदिर का वर्णन हुआ है। ये 108 दिव्य देशों में से एक है जो कृष्ण भगवान को समर्पित है और विष्णु के इस अवतार रूप को पार्थ सारथी कहते हैं। पार्थ सारथी कृष्ण का दूसरा नाम है जो अर्जुन ने सारथी बनने से प्राप्त हुआ था। ये कृष्ण भगवान का प्रमुख मंदिर है। ये गुरु व्योर चिदम्बरम तिरुवारको तथा अम्बलपुषा श्री कृष्ण मंदिर की शेरनी में आता है। केरल के चेगनूर इलाके में 5 प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि 5ों मंदिरों में निर्माण 5 पांडवों ने किया था। मंदिर में प्रवेश द्वार पद पर 4 मीनारे हैं। पूर्व मीनार में चढ़ने के लिए 18 सीढ़ियां हैं और उत्तर मीनार में चढ़ने के लिए 57 सीढ़ियां हैं जो पप्पा नदी की ओर जाती है। मंदिर के दीवारों पर 18वीं सदी के चित्र बनाए हुए हैं।
मैंने जब इन मंदिरों की रिसर्च की तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि हमारे ही भारत में इतने प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कुछ खोजे जा चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त निकलता है वैसे वैसे ये और भी खोजें निकलती आ रही हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इजाज़त दीजिए मुझे रेडी रेड ब्रोकन हार्ट को। जय जय राधे कृष्ण।